राव रमेश, कैसा होगा फिल्म में इनका कैरेक्टर, साउथ की किन फिल्मों के लिए हैं ये फेमस। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म है KGF चैप्टर 2, जिसकी कहानी को देखने के लिए ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अगर आज ही फिल्म को रिलीज़ किया जाए तो फैंस अपने सारे काम छोड़कर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुंच जाएंगे। वैसे इस फिल्म में आपको बहुत से नेगेटिव रोल्स दिखाई देने वाले हैं, फिर वो चाहे संजय दत्त का हो या BS अविनाश का। वैसे इन नेगेटिव रोल्स की लिस्ट में एक एक्टर और जुड़ चुका है जिसका नाम है राव रमेश। अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो आपने इनकी कोई ना कोई फिल्म ज़रूर देखी होगी। इन्होंने अपने करियर में बहुत सी साउथ की हिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें DJ, सन ऑफ सत्यमूर्ति और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जय भीम जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए ये फेमस हैं। वैसे उन्होंने अपनी बहुत सी फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाया है, और जिन फिल्मों में उनका पॉजिटिव रोल देखने को मिला है उस फिल्म में उनका किरदार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब हो सकता है शायद फिल्म मेकर्स को राव रमेश सिर्फ विलन के किरदार में ही पसंद करते होंगे, इसलिए ही तो KGF चैप्टर 2 के मेकर्स ने भी उन्हें फिल्म में एक नेगेटिव रोल दिया है। बात करें इनके किरदार की तो फिल्म में आप इन्हें कन्नेगंती नाम का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखेंगे। ये रोल एक गुंडे का होगा जो फिल्म में अपने फायदे के लिए काम करते हुए नजर आएगा। आगे बात करें फिल्म की तो KGF 2 एक पेन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है, जिसमें कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं। इस फिल्म में आपको यश और संजय दत्त के अलावा रवीना टंडन, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की डबिंग लगभग सभी एक्टर्स ने अपनी ही आवाज़ में ही की है, जिसके कारण इस फिल्म में आपको उन एक्टर्स की असली आवाज़ ही सुनने को मिलने वाली है, और फिर चाहे वो किसी भी भाषा में हो। बता दें कि फिल्म को 14 अप्रैल 2022 के दिन रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को।